हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक थ्योरीज, वेरियस टाइप की एटॉमिक थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी किस साइंटिस्ट ने किस टाइप का मॉडल दिया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर एटम के अंदर प्रेजेंट फंडामेंटल पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया था। प्रोटॉन की नेचर किस टाइप से होती है, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन किस टाइप से होता है, यानी उनकी नेचर क्या होगी, उनका मास कैसा होगा और किसने डिस्कवरी की, इन सब की स्टडी हमने अभी तक किया। नाउ जे.जे. थॉमसन के क्रेडिट में एक और डिस्कवरी जाती है, या मैं कहूंगा कि एक और मॉडल जाता है जिसे हम कहते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बच्चों इसी ने जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उसके बाद में जो एटॉमिक मॉडल दिया था। इसके मॉडल को थॉमसन एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, या रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं हम। बच्चों प्लम पुडिंग यहाँ पर एक डिश है जिसमें या मैं कह सकता हूँ कि पुडिंग है जो है एक डिश, उसके अंदर प्लम फ्रूट है वो इम्बेडेड रहते हैं। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ वाटरमेलन मॉडल भी कह सकता हूँ। वाटरमेलन के अंदर आपने देखा होगा कि जो एटम का एंटायर मास है वो रेड कलर का होता है, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर वाटरमेलन का एंटायर मास है वो रेड कलर का होता है, उसकी कंपेरिजन की गई प्रोटोन से। जिस तरह से एटम का कंप्लीट जो मास है वो प्रोटोन से मिलकर के बना होता है, उसी तरह से वाटरमेलन का रेडिश पार्ट है वो क्या है, प्रोटोन से कंपेयर की गई, यानी प्रोटॉन के साथ में उसकी कंपैरिजन की गई। ना कहा गया कि जिस तरह से वाटरमेलन में रेडिश पार्ट के अंदर सीड्स, ब्लैक कलर के सीड्स जिस तरह से एम्बेडेड रहते हैं, उसी तरह से एटॉमिक मॉडल के अंदर प्रोटॉन के कंप्लीटली जो मास होता है, जो प्रोटॉन्स कंप्लीटली जो फैला हुआ है, यानी एटम के मास के अंदर जो प्रोटॉन कंप्लीटली फैला हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड रहते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा बच्चों प्लम पुडिंग मॉडल, यहां पर इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, पुडिंग मॉडल ये भी इसे कहते हैं बच्चों, या मैं ऐसा कह सकता हूँ वाटरमेलन मॉडल भी कह सकता हूँ, वाटरमेलन मॉडल। आपने देखा इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एटम का जो कंप्लीट मास है, एंटायर मास है वो प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है, यानी एटम के अंदर प्रोटॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं इसके अंदर। और मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस जो बल्कि मास है जिसमें ये प्रोटॉन्स है, मैं ऐसे कह सकता हूं ये जो मास है वो प्रोटॉन्स का है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड रहते हैं बच्चों, क्या इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं इस टाइप से, इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं ताकि एटम कंप्लीटली न्यूट्रल हो। आपने देखा होगा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि जिससे कि एटम मिलकर के बना होता है, उसी के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। तो बच्चों यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ऐसा थॉमसन ने कहा था, लेकिन ये रिजेक्टेड मॉडल है। क्यों? क्योंकि बच्चों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, वो आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाएंगे, उनको एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर रखने के लिए कुछ न कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि थॉमसन ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो मॉडल है वो रिजेक्टेड मॉडल है। क्या बच्चों? रिजेक्टेड मॉडल। आजकल न्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग सेट नहीं होता, कब तो दिया था? 1898 में दिया था। नेक्स्ट सेकंड टाइप की थ्योरी है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, तो हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, या एटॉमिक मॉडल जो दिया था वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर दिया था, इसलिए उसे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहेंगे, और उसी के आधार पर उसने एटॉमिक मॉडल दिया था। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले, हाँ सेकेंड टाइप का जो एटॉमिक मॉडल है कौन सा? बी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक
मॉडल एंड किसके बेसिस पर दिया था, यहां पर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसने अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उसी के बेसिस पर अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो बच्चों पहले अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को जनरेट करने वाले सोर्स जो कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रेडियम या पोलोनियम, कुछ बुक में रेडियम दिया हुआ कुछ में पोलोनियम दिया हुआ, तो हम लेते हैं रेडियम और पोलोनियम, ये लिया बच्चों। इससे अल्फा पार्टिकल की रेज है वो इमिट हुई, अल्फा रेज, ठीक है बच्चों, अल्फा पार्टिकल की रेज है इमिट हुई। यहां पर इसको लेड चैम्बर में रखा, पीबी चैम्बर, लेड रेज को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, इन रेज को एक स्लिट से पास करवाया ताकि एक करंट बन जाए, अल्फा पार्टिकल इधर उधर मूव ना करे, पोरस स्लिट है इसमें से इसको पास करवाया, लेड स्लिट जिसे अपन बोलते हैं या लेड प्लेट, पीवी प्लेट, इससे एक करंट मिल जाएगी अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल जो इधर उधर स्केटरिंग शो कर रहे थे या इधर उधर मूव कर रहे थे वो एक करंट के फॉर्म में बने, और इस रे को फिर कोलाइड करवाया गॉड फॉयल, गॉड फॉयल, गॉड फॉयल। बच्चों ये जो गॉड फॉयल है वो 10^-7 मीटर की है, यानी इतनी थिक है, जैसे आपने देखा होगा स्वीट के ऊपर जो सिल्वर की लेयर होती है उससे भी पतली या उस टाइप की लेयर जो है गोल्ड की ही, और उस पर अल्फा पार्टिकल की स्केटरिंग करवाई और इन सबको ऑब्जर्व किया एक सर्कुलर जो सर्कुलर ऑब्जर्वर से। तो किस तरह से बच्चों यहाँ पर सर्कुलर डिटेक्टर भी कर सकते हैं इसको, बच्चों यहाँ पर ये आपका एक सर्कुलर डिटेक्टर है, और इस सर्कुलर डिटेक्टर है ये मूव कर सकता है बच्चों, यानी ये अल्फा पार्टिकल की पोजीशन है चारों तरफ से डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए इसे हम कहते हैं सर्कुलर डिटेक्टर यहाँ पर। और इसके अंदर की तरफ है वो जिंक सल्फाइड की लेयर इसने लगा दी इसके ऊपर ताकि जो भी पार्टिकल इससे स्केटरिंग शो करे वो फ्लोरोसेंट के द्वारा हमें पता चल जाए, मतलब जैसे अल्फा पार्टिकल इस पर कोलाइड होंगे जैसे ही स्पार्किंग होगी हमें पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल कहां पर कोलाइड होगा। तो मैं यहां पर कर सकता हूं सर्कुलर, ये तो है आपका जिंक सल्फाइड लेयर, जिंक सल्फाइड लेयर अंदर वाली लेयर की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, और ये है आपका सर्कुलर डिटेक्टर, सर्कुलर डिटेक्टर, सर्कुलर क्या डिटेक्टर। बच्चों इसने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल जनरेट करने वाले सोर्स से अल्फा पार्टिकल जो है इस गोल्ड फॉइल पर कोलाइड करवाया, एंड उसने कुछ कुछ ऑब्जर्व किया, स्केटरिंग शो करवा दी, मतलब यहां पर कोलाइड करवाया, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे, उसने देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है ना वो बच्चों सीधे की सीधे ही यहां पर निकल गए, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर इस तरह से सीधे की सीधे निकल गए, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया, क्योंकि यहाँ पर जो स्पार्किंग सबसे ज्यादा हुई इसके जस्ट अपोजिट। एंड सेकंड पॉइंट उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल है किसी पर्टिकुलर एंगल से यहाँ पर जो है कोलाइड हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल एक पर्टिकुलर एंगल से कोलाइड हो गए, ठीक है ना, यहाँ पर डिफ्लेक्ट होने के बाद में यहाँ से कोलाइड हो, यहाँ पर डिटेक्ट हुए। एंड फाइनली एक हो रहा कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल, 20,000 अल्फा पार्टिकल इस पर स्ट्राइक करवाए उसमें से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस से रिटर्न हो गया, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया। उसने पीछे की तरफ भी डिटेक्टर यूज में लिया तभी पता चला हुआ कि रिटर्न हुआ चारों तरफ से, ताकि रेज है वो कहाँ कहाँ पर जो है आ रही है या कहाँ कहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के, डिफ्लेक्ट होकर के वो जारी है, तो उन सबको डिटेक्ट करने के लिए पीछे की तरफ भी जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। तो उसने बोला कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में से 1 अल्फा पार्टिकल रिटर्न हो जाता है,
मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे ही सीधे निकल गए, एंड जो है कुछ अल्फा पार्टिकल पर्टिकुलर एंगल से डेविएट हो गए, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने तीन पॉइंट ऑब्जर्व किए जो मैंने आपको बता दिया, उन्हीं के बेसिस पर उसने कॉन्क्लूजन दिया। कॉन्क्लूजन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं पॉइंट थ्री यहां पर लिखवा देता हूं। यहां पर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद में कॉन्क्लूजन, पहला ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या बच्चों, पहला पॉइंट या पहला पॉइंट इसमें क्या, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे सीधे वो चले गए। सेकेंड पॉइंट और है क्या बच्चों, यहां पर सम अल्फा पार्टिकल्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, उनके पाथ से क्या हो जाते हैं बच्चों, वो डेविएट हो जाते हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स। एंड थर्ड पॉइंट है वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न्स टू इट्स पाथ। ये तीन ऑब्जर्वेशन थे बच्चों। नाउ कंक्लूजन क्या निकाला बच्चों, यहां पर उसने देखा कि इसका मतलब तो ये है कि सीधे ही सीधे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल निकल गया, मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है, होलो है, होलो होगा तभी सीधे की सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल है वो अपने पाथ से डेविएट होगी, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब एटम के सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जिसकी रिपल्सन से अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होंगे। ठीक है बच्चों। थर्ड है 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से रिटर्न हो जाता है, इसका मतलब जो है एटम के बहुत छोटे पार्ट जिसे न्यूक्लियस कहते हैं उसके अंदर एटम का कंप्लीट मास प्रेजेंट होता है, उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न हो गया, इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है सेंटर में एंड उसका मास भी काफी ज्यादा है। ठीक है, और हाईली डेंसिटी होने की वजह से वो क्या होगा, अपने पाथ पर रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह से उसने कॉन्क्लूजन निकाला। तो बच्चों यहां पर मैं कॉन्क्लूजन के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट। इसके कॉन्क्लूजन क्या है, पहला है मैं कॉन्क्लूजन की बात करूंगा, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज होलो। यहां पर कॉन्क्लूजन क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज होलो। बच्चों किस टाइप से, इस टाइप से उसने बोला कि यहां पर देखिए ये एटम के सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहां पर मैं कह सकता हूं ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है, और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे की सीधे निकल गए, इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम जो है पार्ट इसका होलो है, ऐसा कहा गया, या अल्फा पार्टिकल है या अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट है कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गए बच्चों, इस तरह से ये आए, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की नेचर भी पॉजिटिव होती है, तो रिफ्लेक्ट यहाँ पर ये रिपल्सन होगा एंड इसलिए ये अपने पाथ को डेविएट कर लेता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये जो है अप,
अपने बात को डिवाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट है आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल वन अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओन पार्ट। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे स्मॉल जो पार्ट है एटम का उसके अंदर कंप्लीट मास प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बच्चों क्या है, some alpha particles deviate from their path. So positive charge is present at the center of atom and complete mass is present in the center, in this center this is called न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, यहां पर कंप्लीट मास भी प्रेजेंट होता है एंड साथ ही साथ में जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कंप्लीट मास होगा इस छोटे से पार्ट के अंदर क्योंकि मैक्सिमम पार्ट इसका फॉलो है, तो जो टोटल मास है एटम का वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इस पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस इज अ हाईली डेंस बिकॉज वन अल्फा पार्टिकल इज कंप्लीटली रिटर्न्स टू इट्स ओन पाथ। तो बच्चों यहां पर हाईली डेंस होता हूं न्यूक्लियस, हम कहेंगे बच्चों यहां पर देखो न्यूक्लियस इज हाईली डेंसिटी बच्चों। ठीक है, इस तरह से इसने जो ऑब्जर्वेशन किए। नाउ हम इसका एटॉमिक मॉडल को देखते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल किस तरह से दिया बच्चों इसने, एटॉमिक मॉडल इन कॉन्क्लूजन के बेसिस पर उसने अपना मॉडल दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, एटम के सेंटर में जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस होता है, एटम का कंप्लीटली मास प्रेजेंट होता है। तो सेकंड पहला पॉइंट द टोटल मास ऑफ एटम इज कंप्लीटली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, ये सब उसने कहा। एंड पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि एटम का वॉल्यूम काफी ज्यादा होता और मैक्सिमम पार्ट उसका होलो है, इसका मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम काफी काफी कम होता है। तो यहां पर सेकेंड पॉइंट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। ठीक है बच्चों, थर्ड यहां पर जो है न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं हाई स्पीड के साथ में, जिन्हें हम ऑर्बिट करते हैं। तो टू मेक न्यूट्रलिटी ऑफ एटम some electrons are present in circular path at a particular distance
पार्टिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस। From nucleus, nucleus. These are called orbit. The electrons revolve around nucleus. With high speed, ऐसा उसने कहा था। तो मैं अब इसको एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देता हूं। हाई स्पीड के साथ में जो है ये इलेक्ट्रॉन ड्यूअल करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो हम यहां पर लिखेंगे बच्चों, ये एक सर्कुलर पाथ है, न्यूक्लियस यहां पर है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है इन सर्कुलर पाथ पर करता बच्चों हाई स्पीड के साथ में रिवॉल्व करता है ना बच्चों। यहां पर उसने एटम के न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में कुछ फॉर्मूला बताया था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये एक रिलेशन बच्चों। यहां पर R is equal to R not multiplied by a raised to the power 1/3। यहां पर R की जो वैल्यू है R not की वो 1.3 जनरली 1.3 है, अदरवाइज ये वेरी करती रहती है 1.1 से 1.44। तो 1.3 into 10 raised to the power minus 13 सेंटीमीटर ये कैलकुलेशन में हम यूज में लेंगे। एंड A है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास एंड न्यूक्लियस के रेडियस के बीच में उसने रिलेशनशिप किया था। इस तरह से बच्चों यहां पर